और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं शवरमा सॉसेस। रेड और व्हाइट सॉस बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से क्लिक कर सकते हैं। पहले हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस के लिए हमें जो भी चाहिए होगा वो इंग्रेडिएंट्स में है। फर्स्ट तो हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसके अंदर हम डाल रहे हैं अभी मेयोनीज। तो ये वाली मेयोनीज आपको क्यों ये लाल लाल नजर आ रही है मैं बता दूं, ये सैंडविच स्प्रेड वाली मेयोनीज है जो कि कैरेट और कुकुम्बर की होती है। आप कोई भी मेयोनीज ले सकते हो, व्हाइट मेयोनीज, एगलेस, वेज, कोई भी मेयोनीज लो, व्हाइट या कोई भी कलर की। ठीक है, अब हमने इसके अंदर डाला था दही, तो दही डाल दें। और उसके बाद में अभी ये जो मैंने डाले हैं वो है लहसुन, चार क्लोव्स डाल दिए मैंने लहसुन के। और अब हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, मैंने दो चुटकी नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देना। ठीक है, तो ये सारे अभी ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं, तो आप ये ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो ऑरिगेनो डाल सकते हो या स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और अब हम डाल रहे हैं लेमन जूस, नींबू का रस ये मैंने डाल दिया है। ओके, तो नींबू का जूस, एक्चुअली वो जो बॉटल नज़र आ रही है, हम लोग पहले से ही नींबू का रस निकाल के फ्रिज में रख देते हैं, तो इसलिए आपको वो बॉटल नज़र आ रही है, इग्नोर कर दो इसको। ठीक है, अभी हम डाल रहे हैं विनेगर। विनेगर डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खानों में, इसलिए विनेगर डालना ज़रूरी है शवरमा के अंदर वो टेस्ट लाने के लिए। जो हम बाहर खाते हैं शवरमा, वो थोड़ा बहुत टैंगी फ्लेवर होता है उसका, वो लाने के लिए। तो अभी मैंने डाला है इसके अंदर तिल, सेसम सीड्स, तो वो डाल देंगे हम लोग। वो हो जाने के बाद में अभी लास्ट स्टेप ये है कि हम इसके अंदर डाल रहे हैं तेल। तेल डाल दें और अब इसको हम कर देंगे क्या, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा व्हाइट सॉस। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसलिए झट से झट बना दो। ठीक है, ओके, ये हो गया व्हाइट। अभी नेक्स्ट रहेगा रेड सॉस। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे, हमने जैसे पहले कहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पिछले वाले सॉस का ही जार यूज कर लिया व्हाइट सॉस का, वो डर्टी नहीं है इसलिए। तो ठीक है, अब हम डाल रहे हैं इसमें चिली फ्लेक्स, तो चिली फ्लेक्स डाल देना। और हम इसको 10 मिनट्स के लिए पानी में भिगा कर सोक करके रखेंगे। तो सोप भी मैंने मिक्सर में ही कर दिया, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, एक 10 मिनट के लिए आप सोप करके रख दें। तो ये मैं पानी डाल रही हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना ताकि वो चिली फ्लेक्स अच्छे से पानी में सोप हो जाए। ठीक है, डिप हो जाए। तो अभी हम थोड़ा सा उसको स्टिर कर ले रहे हैं, हो गया। तो अभी हम डाल रहेंगे नेक्स्ट लहसुन के पीसेस, तो क्लोव्स डाल दिए मैंने चार। और अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, सोया सॉस डाल रहे हैं। तो सोया सॉस डालने से थोड़ा खटमिट फ्लेवर आता है जो बहुत अच्छा लगता है। देखो, इसके अंदर जो वाटर जो सोक करने के लिए हमने चिली फ्लेक्स का यूज किया है, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हो अगर आपको थिक चाहिए होगा तो, वरना ये बहुत ढीला बन जाता है। मेरा वाला बहुत ढीला बन गया था, पर बहुत अच्छा था। पर फिर भी आपको थिक चाहिए तो आप उसके अंदर ये कर सकते हो। अभी मैंने इसमें डाला है विनेगर, तो विनेगर की क्वांटिटी इस वाले सॉस में थोड़ी ज्यादा है, आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो, बट वो टैंगी फ्लेवर आता है उसके अंदर। तो ऑयल डाल रहे हैं हम लोग, ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, अच्छे से रख देना। ओके, ये हो गया, ऑयल भी हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट क्या है, ऑयल ही है। ठीक है, ऑयल कंप्लीट हो जाने के बाद में लास्ट में हम लोग डालेंगे अनियन, और अनियन के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट, ये 1 teaspoon सॉल्ट डाला था मैंने, डाल दें। और इसको मिक्स कर देने के बाद, ब्लेंड करने के बाद में ये बन रह गया हमारा रेड सॉस। तो ये भी तैयार हो गया। तो मेरे को बताना ये रेसिपी आपको हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट जरूर करना। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।